सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई होनी है। मुस्लिम बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 याचिकाएं दायर की गई हैं। 7 याचिकाओं में से अधिकतर याचिका उन मुस्लिम महिलाओं की है जिनके पति ने दूसरी शादी कर ली या फिर जिन्हें हलाला से गुजरना पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम बहुविवाह और हलाला की वजह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसे में इन दोनों पर बैन लगा दिया जाए। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कर रही है। समीना बेगम और बेनजीर हिना भी उन 7 याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने कोर्ट में अपनी पेटिशंस फाइल की हैं। समीना बेगम ने मुस्लिम बहुविवाह के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जबकि बेनजीर हिना ने तलाक ए हस्न के खिलाफ याचिका दायर की है। 23 अप्रैल 2022 को मुझे तलाक का पहला नोटिस मिला, उसमें जो उन्होंने अपने यहाँ से कुरियर किया था, स्पीड पोस्ट किया था, उसको 19 अप्रैल को किया था, जो मेरे पास 23 अप्रैल 2022 को वो तलाक का पहला नोटिस पहुँचा। उस नोटिस पे भी मुझे बिलीव नहीं था। वो जो नोटिस मुझे मिला वो किसी भी लीगल अथॉरिटी का नहीं था। 12 2012 में स्टार्टिंग में 1 जनवरी को शादी हुई, निकाह हुआ और उसी महीने प्रेगनेंट हो गई, बच्चा तीसरा फिर रह गया। अक्टूबर में उसने अचानक, जब बच्चा मेरा 13-14 दिन का रहा होगा, तो उसने अचानक तलाक का फ़ोन आ गया, ट्रिपल तलाक दे दिया। पहले वाले हस्बैंड ने लेटर से तलाक दिया था, इसने मुझे फ़ोन पे, बस उस टाइम मुझे बुरा लगा कि मैंने कहा इस तरह से तलाकें हो नहीं सकती, ये चीज़ बड़ी गलत है। और शादियों के लिए इतने सब तामझाम, इतने लोगों से पूछना, गवाह ये वो सब, और तलाक के लिए कुछ नहीं, ना पूछ ना गज ना कोई गवाह ना कुछ, ऐसे कैसे फ़ोन पर तलाक हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।